मानना है कि कोई अगर अभी मैथ पढ़ना चालू करता है तो उसके लिए एडवांस मैथ का टॉपिक सबसे बेहतर है। अभी शुरुआत रहेगा, थोड़ा एनर्जी के साथ लगेगा, बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम अगर एक एक चैप्टर करके करता है पढ़ पहले एडवांस का कोई एक चैप्टर छोटा सा उठा लिया, ट्रिगो को छोड़ करके और कोऑर्डिनेट को छोड़ करके अगर आप कोई भी चैप्टर को उठाते हैं, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, फिर ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री भी थोड़ा अगर टफ हो जाता है इसको साइड कर देता है, आप मेंसुरेशन को और अलजेब्रा को लेकर के चल सकते हैं सबसे स्टार्टिंग में। उसके बाद एक चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आप अर्थमेटिक पे आ जाइए, क्योंकि अर्थमेटिक होता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, वो आप समझते कितना है उसके अनुसार बनता है। और इसके बाद फिर इसी तरह से एक एक चैप्टर करके आगे आगे एडवांस को बढ़ सकते हैं। हर किसी को यहाँ पटना में मेरे समझ से ज़्यादातर लोगों की एडवांस मैथ में दिक्कत होता है, तो ऐसे थोड़ा सा एडवांस में इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। देखिए, बिहारी के होने का एक गर्व होता है कि बिहार में लोगों का मैथ कमज़ोर नहीं होता है, तो इस बात को लेकर के ये जो मतलब दिशा और दशा जो है इसको आप लोग बिगाड़ के रख दिए हैं। जीरो का आविष्कार कहाँ हुआ है? आर्यभट्ट कहाँ के थे बोलिए? अगर जीरो नहीं होता तो क्या मैथ बन पाता? मतलब मैथ की शायद दिशा और दशा ही बदल जाता। जैसे मान लिया जाए हम एक बोलते हैं, ठीक है, तो एक और दो में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक का अंतर है, जीरो लगा देते 10, 9 का अंतर हो जाता है, कोई बात नहीं, एक और 10 में मात्र 9 का ही फर्क है, एक और जीरो लगाते हैं 99 का फर्क होता है, एक और जीरो लगाते हैं 999 का, एक और जीरो लगाते हैं 4×9 का, लेकिन जैसे एक एक जीरो बढ़ता है ये फर्क सीधे मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है। ये है जीरो का कमाल, और जिसको दिया है इसी बिहार की धरती ने, तो भाई इस बात पर हमको प्राउड फील होना चाहिए कि मैथ हमारा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और मैथ कमज़ोर अगर किसी का है, शुरुआत किए हैं, दिमाग को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करिए, काम में लगिए, बातें कम करिए, काम ज़्यादा करिए, सफलता का है दूसरा मंत्र एक ही भी है, पहला मंत्र पढ़ना ही है, दूसरा एक ही है। चलिए, इन्होंने इतनी सारी बातें कही, इनका जो भी एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पर कमी जो रहा है उस कमी को मैं शायद बता सकता हूँ, क्योंकि जो शायद इस चीज़ को ये भी गौर नहीं कर पाए होंगे, इनकी जो सबसे बड़ी कमजोर या कमी जो रही है कि इतनी बार यानी शुरू से एग्ज़ाम इन्होंने देना स्टार्ट किया, प्रीलिम्स को पास किया, मेंस अच्छा गया इनका, बट फिर भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया। तो एक कमी तो वही अंडरस्टैंडिंग का है, जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के सबसे बड़ा कमी जो रहा, लेकिन अब चूँकि ये स्टार्ट कर दिए हैं, काम कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ये कमी भी पूरा हो ही गया ऑलमोस्ट और हो ही जाएगा। दूसरी जो समस्या इनके पास थी इंग्लिश के अलावा, वो समस्या था थोड़ा सा प्रॉपर किसी चीज़ को एक मतलब ऑर्गेनाइज वे में काम करने का, और यही बात आपको भी हम बताते हैं हमेशा। हर इंसान पढ़ता है, पटना में लाखों लोग रहते हैं, कौन नहीं पढ़ रहा है? कौन नहीं पढ़ रहा है ये बताइए मुझे, कौन पढ़ रहा है छोड़ दीजिए, कौन नहीं पढ़ रहा है? सब पढ़ रहा है ना कहीं पढ़ रहा है ना। आपको हर लोग किताब कॉपी बैग और पूरा बढ़िया से एकदम होता हुआ मिलेगा पाया जाएगा। ऐसा क्या बोलता है कि हम जॉब करके आ रहे हैं, क्या बोलता है हम कुछ करके आ रहे हैं, क्या बोलता है क्लास जा रहे हैं, क्लास से आ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ के आ रहे हैं, सेट मारने जा रहे हैं, सेट मार के आ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, लाइब्रेरी से आ रहे हैं, यही सब आप सुनने मिलता है ना। इसका मतलब उसका संबंध किससे है बताइए? अरे पढ़ाई से ही है ना। एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम दे के आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, ऐसा सुनते हैं क्या? बहुत कम सुनते हैं। या ये सच है कि नहीं है? तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है, काम ऑर्गेनाइज, ठीक है ना। चलिए, बहुत धन्यवाद।